फ्रेंड्स, क्योंकि इस दौरान हमें बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने में, और फ्रेंड्स बच्चों का लो वेट गेन या फिर ओबेसिटी या फिर बच्चों का जो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, उनको मसल स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका ब्रेन डेवलपमेंट सही से करने के लिए, उनका मोटर स्किल, इन सब चीज तभी डेवलप हो पाता है जब उनका रेगुलर फूड इंटेक सही रहे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो तभी चलता है जब हमारा स्टमक हैप्पी हो, तो हमारा स्टमक हैप्पी करने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए एक सही फूड चार्ट, एक रेगुलर डाइट। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गूगल का फूड चार्ट आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब एक साल के बाद आप बच्चे को क्या क्या खाना दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दीज डेज ये बहुत जरूरी है बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए उनका फूड चार्ट सही से बनाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बाहर का एक्सपोजर उनको सही से नहीं मिल रहा है, तो उनका खान पान का ध्यान रखना हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दौरान हम अपने बच्चों का खान पान के लिए इम्यूनिटी वाला खाना उनके रेगुलर डाइट चार्ट में ऐड करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स तक जो बच्चे हैं कि जो बाकी क्राइटेरिया रहता है जो कि फिल होने की जरूरत है थ्रू फूड, उन सबको सही तरह से मेंटेन करने के लिए कौन सा डाइट चार्ट जरूरी है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गूगल का डाइट चार्ट जो वो 12 महीने से 18 मंथ्स तक फॉलो कर रहा था। फ्रेंड्स, और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी, हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियोस हैं जिसमें कि मैं 6 मंथ टू 8 मंथ तक बच्चों के लिए जो डाइट चार्ट होता है वो शेयर की हूँ, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, और 9 मंथ टू 12 मंथ तक के बच्चों के लिए भी कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना है। फ्रेंड्स, उन सबके लिए हमारे चैनल में आपको वेराइटी ऑफ फूड चार्ट मिल जाएंगे जो कि बच्चों के एज के वाइज हमने बना के रखे हैं आप लोगों के हेल्प के लिए। होपफुली वो सारे वीडियोस आप लोगों को काफी हेल्पफुल साबित हो। फ्रेंड्स, अगर आज का फूड चार्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है और आपके बच्चे के लिए ये आपको सच में यूजफुल लग रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज मैं जो फूड चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन फूड चार्ट है, क्योंकि हम वेजिटेरियन है। फ्रेंड्स, आज के फूड चार्ट में आपको काफी सारे ऐसे फूड ऑप्शंस मिलेंगे जो रेगुलरली आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। मैं आपको डे बाय डे एक एक करके समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज का फूड चार्ट मैं आपको स्लोली स्क्रॉल करके पूरा दिखा रही हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से एक के बाद दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो पॉज करके ये सारा चीज कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया भी देना चाहती हूँ, जैसे कि आप अगर फूड चार्ट अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप कई सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जब बच्चा एक साल के अबोव हो जाता है, एक साल के ऊपर हो जाता है, फ्रेंड्स आपके फूड चार्ट में आप कई तरह के चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको पूरे फूड चार्ट में 3 कलर्स देखने मिलेंगे एक दिन में। वो 3 कलर्स इसलिए हैं क्योंकि जो लाइटर शेड है उसमें अगर कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है, कोई रेसिपी लिखा हुआ है, तो वो आप जब शुरुआती महीने में बच्चा आपका एक साल का हो जा रहा है उसके इमीडिएट बाद आप शुरू कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लाइटर होता है और बच्चे काफ़ी इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं इस वजह से। उसके बाद जो डीपर शेड है, जैसे आप देख पा रहे हैं 3 शेड में एक एक डे में लिखा हुआ है, तो जो दूसरा शेड है वो थोड़ा सा उसके पहले के कंपेयर में हेवियर रहेगा, और उसके बाद जो तीसरा जो ज़्यादा डार्क कलर में लिखा हुआ है रेसिपी वो थोड़ा सा ज़्यादा हेवियर रहेगा। इससे आपको क्या मदद मिलेगा, एक साल के बाद आपका बेबी सारा चीज खा सकता है, फूड टेंड्रम बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आप अगर सही टाइम पे सही चीज धीरे धीरे बच्चे को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, क्योंकि एक साल के बाद बच्चे लगभग सारी चीजें खाना शुरू कर चुके होते हैं, तो इस वजह से हम उनको सारी चीजें दे सकते हैं। क्योंकि ये एक वेजिटेरियन फूड चार्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा सारा ही रेसिपी वेजिटेरियन है, तो इस वजह से आप ये सारी चीजें बच्चे को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ नॉन वेज भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट, क्योंकि हम पर्सनली वेजिटेरियन ही हैं, इसी वजह से हमारा जो बेबी का फूड चार्ट है वो भी वेजिटेरियन है। और एक चीज यहाँ पे मैं क्लैरिटी के लिए आपको बताना चाहूंगी, ये जितने भी रेसिपीज यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से मैक्सिमम आपको हमारे हेल्दी बेनिफिट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी रेसिपी अगर नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कैसे बनाना है जानना चाहते हैं, फ्रेंड्स प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो बना के दिखा सकूं। आपको इसमें से कोई भी रेसिपी में कोई भी डाउट हो रहा है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये गूगल के फूड चार्ट में मैंने जो भी रेसिपीज डाले हुए हैं ये सारे काफ़ी प्रोटीन से भरे और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। ड्यूरिंग दिस डेज कोरोना के टाइम पे हम लोग सब घर के अंदर रहते हैं, तो बच्चों को इम्यूनिटी के लिए जो जो फूड दे सकते हैं वो सारा इसमें डला हुआ है। ये सारी चीज़ें बच्चे काफ़ी ईजिली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी ईजिली एक्सेप्टेबल होता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें अगर आप एक के बाद दूसरा देंगे तो आपका बच्चा काफ़ी ईजिली ये सारी चीज़ें खा सकता है। और जिस तरह के लिखा हुआ है एक के बाद दूसरा आप दे सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप स्विच भी कर सकते हैं अपने फूड रूटीन के हिसाब से। लेकिन गूगल जो ये सारा चीज़ ले रहा था वो काफ़ी ईजिली वो हैबिचुएट हो गया है, इस वजह से अभी वो कम्प्लीटली हमारे रेगुलर रूटीन में सेट हो गया है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट फूड चार्ट इसी तरह से बनाया गया है जिसमें कि हम एक के बाद दूसरा चीज़ दे सके, एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना करें। इससे ये फ़ायदा रहता है कि बच्चों का जो टेस्ट रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उनको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे सकते हैं। शुरुआती दिनों में बच्चों को उतना ज़्यादा सेम फूड अगर आप खिलाएंगे तो बच्चा एक चीज़ अगर खा रहा है 2 से 3 दिन तो आप इंट्रोड्यूस करने के बाद आप समझ जाएंगे कि बच्चा वो चीज़ इजीली खा रहा है। उसके बाद आप कुछ नया ट्राई करिए, क्योंकि बच्चों का जो फूड टैंड्रम है वो इसी एज में आप उसको अवॉइड करा सकते हैं जिससे कि आगे चल के बच्चों का दिक्कत नहीं होगा। इस वजह से गूगल का फूड चार्ट में हम सारा ही चीज़ ऐड किए हैं और उसको लगभग हम सारा ही चीज खिलाते हैं। फिलहाल गूगल एकदम तैयार है, वो हमारा ही सारा रेगुलर रूटीन का फूड खाता है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ हो। फ्रेंड्स, होपफुली आज के इस फूड चार्ट के जो भी डाउट्स हो वो आपके क्लियर हो गए हो। अगर कुछ भी आपका डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये फूड चार्ट आप ऐसे ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे जाके इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसको डाल दूंगी ताकि आप इजीली इसको डाउनलोड करके सेव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो फटाफट से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको रेगुलर मिलता रहे। हम इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल के लिंक में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।